ईटानगर के विधायक तेची कासो ने आज गंगा मार्केट के पास एक सीसी पेवमेंट का उद्घाटन किया। 250 मीटर लंबा ये पेवमेंट 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है। इसके बनने से स्थानीय लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये रास्ता गंगा मार्केट से शुरू होकर बेप्टिस्ट चर्च और जामा मस्जिद होते हुए आजिंग कॉलोनी तक जाता है। इस अवसर पर वहां मौजूद पूर्व काउंसिलर तेची मेमा ने कहा कि विधायक जी ने पिछले चुनाव के दौरान जो जो वादे किए थे वे सभी पूरे किए हैं। थैंक्स देने के लिए दिया है आपने, बहुत बहुत साथ दिया है आपका गवर्नमेंट का ओर से और आपका तरफ से। ये धोनी दोकुम कॉलोनी और आपने जितना हम लोग का इलेक्शन में भाषण दिया था उसको पूरा रास्ता हो गया, पूरा फुलफिल हो गया। थोड़ा मोरा बाकी से कि तो कुछ छोटा मोटा तो वो कुछ नहीं, बड़ा बड़ा तो पूरा हो गया, रोड हो गया। ये आप स्कूल रास्ता भी आप काल परसों रास्ता को भी दिखाई देगा, देखने मिलेगा सभी लोग। और दरअसल साडा के अंतर्गत 1,45,00,000 रुपए के लागत से कुल 650 मीटर लंबा ये रास्ता बनना है, जिसमें 250 मीटर बन चुका है, जिसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक तेची कासो ने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनता का हर काम करूं और अगर आने वाले चुनाव में जनता ने एक बार फिर मुझे मौका दिया तो मैं बाकी काम भी पूरा करूंगा। कोशिश करता हूं और आने वाला में अगर आप लोग मौका देगा, हम जरूर जो बचा बुचा है उसको कोशिश करेगा कि पंचाने का, ये मेरा वादा है। और साथ ही साथ आप इसमें से जो भी अभी इस साल का जो स्कीम जो है ये बन के खत्म होने का बाद आगे जो है वो हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करके सरकार से बातचीत करके आगे उसको ज्वाइन करेगा। बहरहाल चुनावी हवा चलने लगी है और अब नेता भी चुनावी भाषा बोलने लगे हैं। अरुणाचल 24 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट।